पीएम मोदी की राह पर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र में 75,000 सरकारी नौकरियों का किया ऐलान, समझे पूरा प्लान। महाराष्ट्र सरकार ने अगले एक साल में राज्य के युवाओं को 75,000 सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार एक साल में 75,000 सरकारी नौकरियां देगी। फडणवीस ने युवाओं को 10,00,000 रोजगार देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की प्रशंसा की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई इस पहल के साथ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी नौकरी देने का फैसला किया है। 75,000 नौकरियों में से 18,000 रिक्तियां पुलिस विभाग में होंगी। इसके लिए अगले 5 से 7 दिनों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जून में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा था कि वे अगले 1.5 साल में 10,00,000 लोगों को मिशन मोड पर नौकरियां दें। वहीं मोदी ने शनिवार को सरकारी नौकरी के 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि केंद्र युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7 से 8 साल के भीतर हमने 10 में से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। स्टार्टअप इंडिया अभियान ने तो देश के युवाओं के सामर्थ्य को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। साल 2014 तक जहां देश में कुल 100 ही स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है।